तो गाइज वी अंडरस्टूड दी कॉस्ट फॉर्मूलाज इन दी प्रीवियस क्लास. ठीक है, हम लोगों ने आई गेस वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज मतलब एवरेज मेथड, फिर फीफो और लीफो, राइट, दीज वर द मेथड विच वी कवर्ड इन दी प्रीवियस क्लास. तो हमने देखा था कि वी हैड डिवाइडेड दीज मेथड इन टू हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल. और हिस्टोरिकल के अंदर हम लोगों ने देखा था फीफो, वेटेड एवरेज एंड लीफो मेथड आर देयर. ठीक है, now today we'll start our session with the adjusted selling price method, right, which is also known as retail method. Okay, let's start on with this. See, we call this method as adjusted selling price method. Okay, और इस मेथड को रिटेल इन्वेंटरी मेथड भी बोला जाता है. राइट, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी कॉल दिस एज रिटेल इन्वेंटरी मेथड. देखो, ये जो मेथड है ना, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर द रिटेल इंडस्ट्री. ठीक है, मतलब जो लोग रिटेल का बिजनेस करते हैं ना, उनको रिटेल के बिजनेस में ये मेथड काम आता है. आई विल गिव यू द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग दिस मेथड. ठीक है, कि इस मेथड में व्हाई डू वी कॉल इट एज अ रिटेल मेथड. लेट अस कंसीडर अ स्टेशनरी शॉप. ठीक है, एक स्टेशनरी शॉप क्या करता है, लेट्स से एक्सरसाइज कॉपीज, पेन्स, राइट, इरेजर्स और बाकी सारी स्टेशनरी आइटम्स, समटाइम्स सम एफएमजी आइटम्स लाइक डियोज एटसेट्रा दे बाय. ठीक है, अभी क्या होता है, दे हैव ह्यूज स्टॉक ऑफ दीज आइटम्स विद देम, स्मॉल आइटम्स, राइट, बट देयर इज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ दीज आइटम्स विद दे होल्ड. तो ये लोग क्या करते हैं ना, कि अगर आप इनमें से किसी भी आइटम की बात करो ना, तो ईच ऑफ दीज आइटम्स हैव अ स्पेसिफिक एमआरपी, राइट, दे हैव अ स्पेसिफिक एमआरपी. जैसे एक्सरसाइज बुक्स है तो 40 रुपीज पर एक्सरसाइज कॉपी, अगर पेन है तो 10 रुपीज पर पेन, अगर डीओज है तो लेट्स से 150 पर डीओ, राइट. सो ईच ऑफ दीज आइटम विल हैव अ स्पेसिफिक एमआरपी रिटन ऑन देम, राइट. तो देखो, जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं ना, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज अ टू स्टेप मेथड. टू स्टेप मेथड मतलब पहले हम लोग हमारे पास कितना स्टॉक है उसको काउंट कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स से कि हमने देखा कि हमारे पास 100 पीसेज है एक्सरसाइज कॉपी का, और एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को हमारे पास 100 एक्सरसाइज कॉपीज पड़ी हुई है. नाउ आई नो द फिजिकल क्वांटिटी, अभी मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू, कि ये 100 कॉपी का कितना कॉस्ट है. बिकॉज इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. अभी ये जो 100 कॉपीज है ना, ये मैंने अलग अलग दाम पे अलग अलग टाइम पे खरीदा होगा. लेट्स से दैट रिटेलर, दैट स्टेशनरी स्टोर, उसने इसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग दाम पे खरीदा होगा. तो उसको ये 100 कॉपीज का अगर कॉस्ट चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हर एक आइटम का कॉस्ट देखकर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में से निकाल के इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा. ठीक है, अभी देखो, लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से समथिंग लाइक स्पेंसर्स, और लेट्स से समथिंग लाइक दीज ह्यूज डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राइट. ये लोग क्या करते हैं, इनके पास बहुत ह्यूज वॉल्यूम में बहुत सारे आइटम्स का इन्वेंट्री होता है, राइट. सो इट मे एट टाइम्स बिकम डिफिकल्ट के हर एक आइटम का कॉस्ट निकाले और उसको इन्वेंट्री के कैलकुलेशन में डाल के इन्वेंट्री का कॉस्ट निकाला जाए. तो यहाँ पे ये जो रिटेलर्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, दे गो फॉर अ शॉर्टकट मेथड. दे गो फॉर अ शॉर्टकट मेथड मतलब इनको अपने इन्वेंट्री का क्वांटिटी पता होता है कि हमारे पास 100 एक्सरसाइज बुक्स है. ठीक है, दे काउंट दैट, ये तो काउंट करना ही पड़ेगा. उस उन लोगों के पास उसका एमआरपी भी अवेलेबल होता है, बिकॉज हर एक कॉपी पे उसका एमआरपी लिखा हुआ है, राइट. हर एक आइटम पे उसका एमआरपी लिखा रहेगा. तो ये है हमारा क्लोजिंग क्वांटिटी. ठीक है, ये क्या है, हमारा क्लोजिंग क्वांटिटी, और उनके पास उसका एमआरपी है. एमआरपी मतलब क्या, द सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच इट विल बी सोल्ड.
तो मैं अगर ये क्वांटिटी के साथ इसके एमआरपी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा इसका आंसर? व्हाट विल आई गेट? टेल मी, व्हाट विल आई गेट? सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा ना, सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक के। अगर हम हमारा क्लोजिंग स्टॉक आज के दिन बेचते हैं तो हमें इतने का सेल्स होगा। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। बट क्या इन्वेंट्री को हम सेलिंग प्राइस में वैल्यू करते हैं? नहीं, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। और अभी तो हम स्पेसिफिकली कॉस्ट की ही बात कर रहे हैं, तो हमें निकालना था क्या? कॉस्ट। बट यहां पे हमें मिल क्या गया? सेलिंग प्राइस। तो देखो रिटेल इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि हर एक सेगमेंट वाइज देर इज अ फिक्स्ड मार्जिन विच इज अवेलेबल टू द रिटेलर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो लोग कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो उनको 15% का मार्जिन मिलेगा, अगर वो लोग स्टेशनरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनको 7% का मार्जिन मिलेगा, राइट? ऐसे प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज उन लोगों का ग्रॉस मार्जिन डिटरमाइंड होता है कि ऑन एन एवरेज हर एक प्रोडक्ट को बेच के कितना मार्जिन वो लोग अर्न कर रहे हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि समझ लो ये जो एक्सरसाइज कॉपीज का हमने एग्जांपल लिया, एक्सरसाइज कॉपीज में क्या है ना कि इन लोगों को 10% मार्जिन मिलता है। कितना मार्जिन मिलता है? 10%। तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेस ग्रॉस मार्जिन एट द रेट 10%, राइट? लेस ग्रॉस मार्जिन एट द रेट 10%। तो लेट अस अज्यूम कि ये एक्सरसाइज कॉपी का एमआरपी था 40, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? 4000। अभी ये 4000 के ऊपर ये रिटेलर कितना कमाने वाला है? 10%। 10% मतलब कितना? 400। तो इसका कॉस्ट कितना हो गया? 3600। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे डायरेक्टली कॉस्ट डिराइव नहीं करते हैं रिटेलर्स। क्या करते हैं? दे नो देयर क्वांटिटी, दे नो देयर सेलिंग प्राइस विच इज मोस्टली द एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उस एमआरपी को वो लोग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास इतने का माल है, इतने का माल मतलब इतने सेलिंग प्राइस का माल है, उसमें से अपना मार्जिन वो लोग रिड्यूस कर लेते हैं तो उनको इनडायरेक्टली उसका कॉस्ट मिल जाता है। सो दिस मेथड इज समटाइम फाउंड इजियर फॉर दीज रिटेलर्स जिनके पास बहुत ह्यूज स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री होता है। तो इट मे बिकम डिफिकल्ट कि वो लोग फीफो या वेटेड एवरेज या कोई वैसा मेथड फॉलो करके रोबस्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करे। उनके लिए लाइफ सिंपल है, उनको क्या करना है कि वो लोग अपनी क्वांटिटी गिन ले, उसको उसके एमआरपी से मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। उस सेलिंग प्राइस में से अगर वो लोग अपना मार्जिन रिड्यूस कर लेंगे तो उनको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। आर यू क्लियर अबाउट इट? सो ये जो मेथड है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, इसमें हम इसी तरह इन्वेंट्री का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से? हमें सम में क्वांटिटी दी रहेगी, हमें सम में सेलिंग प्राइस भी दिया रहेगा, हमें सम में मार्जिन भी दिया रहेगा। हमें सेलिंग प्राइस में से मार्जिन को रिड्यूस करके, राइट, हमें सेलिंग प्राइस में से मार्जिन को रिड्यूस करके इन्वेंट्री का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अभी और एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा बिफोर वी कैन मूव ऑन, ठीक है? टेल मी व्हाट इज COGS? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? What do you mean by cost of goods sold? जितना goods हमने बेचा है उनका cost. तो if I am telling you that purchase, समझ लो हमने 100 pieces purchase किया at the rate ₹20 each, ठीक है? तो हमारा total purchase कितना हो गया? 2000. Agreed? We purchase how many pieces? 100 pieces. What is the rate that we purchased it? 20 rupees per piece. So 100 into 20, 2000 rupees is our total purchases. Abhi, isme se main, let's say sold 70 pieces. Sold 70 pieces.
can somebody, let's say, sold 70 pieces at rupees 50 per piece, right? Sold 70 pieces at rupees 50 per piece. So iska selling price kitna ho gaya mera? 3500 is my selling price. Iska COGS kitna hai mere ko batao? Iska COGS kitna hai mere ko batao? Kitna? 2100. Kaise? 70 into 20. Matlab 1400. Ye 1400 kya hai? COGS. Cost of goods sold. Are you clear about it? Cost of goods sold ka matlab kya? Jo maal becha hai, uska kitna cost hai? That is known as cost of goods sold. To ये कॉन्सेप्ट अभी हम आगे जाएंगे ना तब ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जितना क्वांटिटी हम बेच रहे हैं, राइट? दैट इज द उसका जो कॉस्ट है दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अगर मैं बोलूं कि मैंने पूरा 100 पीस बेच दिया, आई सोल्ड द एंटायर 100 पीसेस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ द एंटायर 100 पीसेस? 2000. Are you clear about it? जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको जब तक वो बिकता नहीं है तब तक वो कॉस्ट रहता है. जब वो प्रोडक्ट बिक जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो एज वी अंडरस्टूड, इस मेथड में हमें क्या करना है? इस मेथड में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रहेगा एट सेलिंग प्राइस. किस पे? एट सेलिंग प्राइस. इसमें से हमें ग्रॉस मार्जिन को रिड्यूस करना है. ग्रॉस मार्जिन को रिड्यूस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इन्वेंट्री का कॉस्ट. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? सो व्हाट वी विल डू इज वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस और एट एमआरपी, राइट? We'll calculate value of inventory at selling price or at MRP. तो एक अमाउंट मेरे को मिल जाएगा यहां पे, ठीक है? और ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट एमआरपी हम किस तरह से निकालेंगे? इट इज सिंपल. क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू selling price or the market price, right? Value of inventory at selling price. कैसे निकलेगा? Quantity of stock into selling price or market price. इसमें से देखो हम क्या करेंगे. We'll reduce, we'll say less. Gross profit included in above, right? Gross profit included in above. ठीक है? So sales में से हम लोगों ने gross profit को minus कर दिया ना, तो हमें क्या मिला? Value of inventory at cost. Right, value of inventory at cost. ठीक है? So this is how we have to do the valuation of inventory. अभी देखो जो sum आएगा ना typically हम लोगों को उसमें क्या information हम लोगों को दी रहेगी. देखो information given in the question. नॉर्मली देखो इस तरह का जो मेथड है उसका अगर कोई सम हमें आता है तो उसमें इंफॉर्मेशन हमें दी रहेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड. क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड. और हमें दिया रहेगा सेल्स फॉर द ईयर, राइट? कि इस साल हमने कितना माल बेचा. और उसके बाद हमें दिया रहेगा
क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, राइट? क्या दिया रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, ठीक है? तो अभी देखो, इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से, राइट, इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से मेरे को क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालना है, ठीक है? इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से मेरे को क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालना है. सो हमने देखो अभी फॉर्मूला देखा ना कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. क्या निकालना है हमें? पहले वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, ठीक है? इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? यस, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस इज माई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस. तो ये कंपोनेंट तो मेरे को दिया हुआ है. फिर मेरे को क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट. मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज अगर दिया होगा तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे. क्या ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है मेरे को यहाँ पे? नहीं, दे विल नॉट गिव अस द जीपी परसेंटेज इन द क्वेश्चन. मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू डिराइव और कैलक्यूलेट रादर कैलक्यूलेट माई जीपी परसेंटेज. क्या करना है मेरे को? मेरे को अपना जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करना है. जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद ही मैं क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकाल सकता हूं. कैन समबडी टेल मी कि देखो इंफॉर्मेशन तो ये तीन चीज पे ही है और कोई इंफॉर्मेशन हमें दिया नहीं है. ये तीन को यूज करके हम किस तरह से जीपी परसेंटेज निकाल सकते हैं? टेल मी, हाउ कैन आई कैलकुलेट माई जीपी परसेंटेज यूजिंग दीज थ्री आइटम्स? Purchases minus sales minus what? How do I calculate the GP percentage? Tell me. Socho. GP कैसे निकलता है? Tell me the formula for GP. Wait. एक सेकेंड, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? हाउ डू यू कैलकुलेट योर ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स माइनस COGS. कैसे कैलकुलेट करते हो? सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव? यू हैव सेल्स, यस. तो ये तो कैलकुलेट करना नहीं है. डू यू हैव योर COGS? डू यू हैव योर COGS, यस और नो? देखो देखो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तभी तुम लोग इस टाइप के सम्स को कर पाओगे. COGS है कि नहीं है सम में? नहीं है. मेरे को परचेज दिया है. परचेज और COGS सेम नहीं होता है. परचेज मतलब टोटल गुड्स जो खरीदा वो. COGS मतलब जो गुड्स बेच दिया उसमें से उसका कॉस्ट. सो मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना, क्या हमने 100 पीसेस खरीदे थे. एक पीस कितने का था? 20, राइट? तो हमने कितने का टोटल परचेज किया था? 2000. हमने सेल किया ड्यूरिंग द ईयर कितने पीसेस? 70 पीसेस. कितने में एक पीस बेचा? 50. कितने का सेल किया? 3500. आर यू क्लियर अबाउट दिस? और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30 पीसेस. सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 50. कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 1500. आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो ये इंफॉर्मेशन दी गई है मेरे को. अभी मेरे को क्या करना है? ये इंफॉर्मेशन के हेल्प से, ये इंफॉर्मेशन के हेल्प से मेरे को अपना जीपी परसेंटेज निकालना है. क्या निकालना है? जीपी परसेंटेज. तो देखो, इसके हेल्प से तो मैं जीपी परसेंटेज आराम से निकाल लूंगा. कैसे निकालूंगा? देखो, मैं बोलूंगा 3500 का मेरा सेल्स है. कैसे? 70 पीसेस मैंने बेचा. कितने में बेचा? 50 रुपीस पर पीस. 70 पीसेस मैंने खरीदा भी. कितने में खरीदा? 20 रुपए में खरीदा. कितना मेरा कॉस्ट हो गया? 1400. मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 2100 इज माई ग्रॉस प्रॉफिट. जीपी परसेंटेज कैसे मैं निकाल लूंगा? आई से प्रॉफिट है 21, सेल्स है 3500 इंटू 100.
ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, सिंपल है। 50 रुपए में बेचा, 20 रुपए में खरीदा, 70 पीस खरीदा तो 70 पीस का सेल्स वैल्यू लिख लिया, 70 पीस बेचा तो उसका कॉस्ट लिख लिया, तो हमें क्या मिल गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोगों ने, डोंट कॉपी, हम लोगों ने जीपी बाय सेल्स इनटू 100 करके जीपी परसेंटेज निकाल लिया। कितना निकल रहा है इसका जीपी परसेंटेज? 2100 डिवाइडेड बाय 3500, मतलब 60% इज माय जीपी मार्जिन। ठीक है, इजी है ना? अगर ऐसे इंफॉर्मेशन दी रहेगी तो तुम लोग आराम से निकाल लोगे, बट सब में ऐसा भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। सम में खाली ये दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? टोटल परचेज किया है हमने 2000 का, माल बेचा 3500 का, क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे पड़ा हुआ है कितने का? 1500 का। तो अभी तो मैं ये नहीं कर सकता ना 70 × 50 and 70 × 20, बिकॉज आई नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाट इज द क्वांटिटी, व्हाट इज द रेट। मेरे को क्वांटिटी और रेट ये इंफॉर्मेशन सम में दिया ही नहीं गया है, अभी मैं कैसे करूंगा बताओ? हाउ विल आई डू इट नाउ, टेल मी। दे डोंट गिव अस क्वांटिटी, डोंट गिव अस रेट, स्टिल आई नीड टू कैलकुलेट माय जीपी परसेंटेज। देखो हाउ विल डू इट। ठीक है, हमने परचेज कितने का किया टोटल? हमने परचेज कितने का किया टोटल? 2000, राइट। हमने जो माल परचेज किया उसमें से कुछ बेच दिया, ठीक है, और हमने जो माल परचेज किया उसमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक में है। अग्रीड, हमने जो माल परचेज किया उसमें से कुछ माल हमने बेच दिया और कुछ माल अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। हमने कितने का माल बेच दिया? 3500 में माल बेच दिया। अभी क्लोजिंग स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है हमारे पास? 1500। एट व्हाट प्राइस? एट सेलिंग प्राइस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हमने टोटल माल कितने का खरीदा? टोटल गुड्स हमने कितने का खरीदा? 2000 का। हाउ मच डिड वी परचेज फॉर? 2000। ये 2000 का माल टोटल कितने में बिकेगा? ये जो 2000 का माल है मेरा टोटल कितने में बिकेगा? 5000। नाउ यू आर सेइंग दैट ये बिकेगा कितने में? 5000 में। कैसे 5000? कि सर हम लोग 3500 का तो बेच चुके हैं और जितना माल हमारे पास पड़ा हुआ है वो फ्यूचर में 1500 में बिकेगा, बिकॉज दिस क्लोजिंग स्टॉक इज एट माय सेलिंग प्राइस, राइट। सो टोटल माल कितने का खरीदा हमने? 2000। ये 2000 का माल बेच के टोटल हम कितना रियलाइज करेंगे? हाउ मच विल वी सेल दिस एंटायर गुड्स फॉर? 5000। सो कैन आई से दैट 5000 इज COGS फॉर एंटायर परचेज? और नॉट 5000, 5000 इज दी, 5000 इज दी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फॉर एंटायर परचेज। कैन आई से दैट 5000 इज दी सेलिंग प्राइस फॉर एंटायर परचेज? हमने जो 2000 का माल खरीदा वो टोटल हम कितने में बेचेंगे? 5000। So this 5000 is the selling price for my entire purchase. So अगर पूरा माल बिक जाएगा तो ये purchase को हम क्या COGS बोल सकते हैं? If I am selling 100% of my goods, then will my purchase become my COGS? Yes, because जितना purchase किया उतना सारा हमने बेच दिया, तो purchase क्या बन गया? COGS. Absolutely clear about it. जब तक हमने पूरा नहीं बेचा है तब परचेज में से कुछ पोर्शन COGS है, कुछ पोर्शन अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है, बट अगर हम पूरा माल बेच देते हैं तो हमारा परचेज क्या बन जाता है? हमारा COGS।
सो देखो सिंपल सेंस में हमने सेल कितने का किया, 3500 का. क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 1500 का. राइट, सो कैन आई से दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एंटायर गुड्स परचेस्ड. कैन आई से दैट दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एंटायर गुड्स परचेस्ड? यस, बिकॉज जितना माल खरीदा उतने से 3500 का मैं तो कुछ माल बेच दिया और जो माल पड़ा हुआ है वो और 1500 में हम बेचेंगे. सो दिस 5000 इज माई सेलिंग प्राइस फॉर द एंटायर गुड्स आई हैव परचेस्ड. इज इनका कॉस्ट कितना है, कितने में ये माल खरीदा था, 2000. राइट, सो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा इस माल को बेच के, कितना होगा ग्रॉस प्रॉफिट इस माल को बेच के, 3000. जीपी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100. कितना आ गया जीपी परसेंटेज, तो देखो लास्ट सिचुएशन में भी 60 आया था, इस सिचुएशन में भी 60% आया. हमने किस तरह से निकाला, देखो जब हमें क्वांटिटी नहीं दी रहेगी ना तो हमें देखो एक चीज इन्होंने दे दिया है, क्या कितना माल बिक गया और कितना माल बिकेगा एट सेलिंग प्राइस. राइट, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है ये सेलिंग प्राइस में कितने में बिकेगा, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे जब, तब हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एंटायर परचेस. क्या मिल जाएगा हमें, सेलिंग प्राइस ऑफ एंटायर परचेस. इसको और इसको डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ग्रॉस प्रॉफिट, और इसके हेल्प से हम हमारा जीपी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे. सो देखो कैसे स्टेप्स करना है, हमें सेल्स फॉर द ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस को ऐड करना है. राइट, तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स परचेज. क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स परचेज, जितना हमने माल खरीदा उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, उसमें से हमारा परचेज हम माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ग्रॉस प्रॉफिट जो हम अर्न करेंगे, जीपी बाय सेल्स इनटू 100 विल बी माय जीपी परसेंटेज. क्लियर अबाउट दिस? सो अभी मैं आपको स्टेप्स लिखाता हूं कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे. राइट दी स्टेप्स. We'll say sales during the year, ठीक है, इसमें फिर हम बोलेंगे add closing stock at selling price, right? Closing stock at selling price. तो सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेस्ड. राइट, इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? हम सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेज. एब्सोल्युटली क्लियर? क्योंकि जो सेल है वो तो एक्चुअल माल बिका है. क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस मतलब जो अभी स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है वो कितने में बिकेगा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ माय क्लोजिंग स्टॉक. तो क्या मिल जाएगा हमें, सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेज. इसमें से हम क्या करेंगे, वील से लेस, we'll say less purchases made, less purchases made. तो question में तो हमें purchase दिया ही रहेगा. अभी हम इसमें से purchase minus कर सकते हैं. क्यों minus कर सकते हैं? Because this is the selling price of the entire lot, ना? तो सेलिंग प्राइस ऑफ एंटायर लॉट में से हम परचेज भी माइनस कर सकेंगे, बिकॉज ये माल खरीदा और इतने में ये पूरा माल बिकने वाला है.
तो अभी हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, कि पूरा माल बेच के हम कितना कमाने वाले हैं, व्हाट इज आवर प्रॉफिट बाय सेलिंग द एंटायर गुड्स. आर यू क्लियर अबाउट दिस? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जीपी परसेंटेज. राइट, जीपी परसेंटेज कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100. राइट, जीपी बाय सेल्स इंटू 100. तो जीपी देखो, जीपी इज कैलकुलेटेड एज सी एंड सेल्स जो हम लेंगे. अच्छा, इसमें सेल्स मत लिखो, इसको पूरा ठीक से लिख दो. सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेस्ड, सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेज, मतलब ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया है एट लेवल ए. राइट, सो दिस इज हाउ वील कैलकुलेट आवर जीपी परसेंटेज. जीपी निकल गया, डिवाइड किससे करेंगे? सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेज, बिकॉज खाली सेल्स यहाँ पे नहीं लेंगे, क्या लेंगे? सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेज, बिकॉज ये जो जीपी भी हम अर्न कर रहे हैं, ये भी टोटल गुड्स के ऊपर हम अर्न कर रहे हैं. राइट, सो बी वेरी केयरफुल कि जब हम सेल्स लेंगे तो क्या लेंगे? सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेज इंटू 100, वी विल गेट आवर जीपी परसेंटेज. फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट. राइट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ये किस तरह से कैलकुलेट होगा? वील से क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस लेस ग्रॉस प्रॉफिट, लेस ग्रॉस प्रॉफिट. राइट, हमें परसेंटेज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो हमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट. राइट, हमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट. ठीक है, सो एक बार वापस ये रिव्यू करते हैं. देखो, व्हाई आई डिड सो मच ऑफ डिस्कशन ऑन दिस वाज बिकॉज आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड सीओजीएस. परचेज मतलब जो हमारा टोटल गुड्स खरीदने का खर्चा लगा वो. सीओजीएस मतलब क्या होता है? सीओजीएस मतलब जो गुड्स हमने बेचा उसका कॉस्ट. तो हम सेल्स माइनस परचेज करके जीपी नहीं निकालते हैं. हम जीपी कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आर यू क्लियर अबाउट दिस? एंड इस सिचुएशन में, इन सब में हम क्या करेंगे? हम परचेज को लेस करेंगे, और परचेज को लेस करना है जो के इसलिए हमें निकालना पड़ेगा सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेज, तभी हम परचेज को लेस करके जीपी निकाल सकते हैं. अगर सेल्स में से परचेज को माइनस करेंगे तो वो जीपी नहीं निकलेगा, बिकॉज जो हमारा परचेज होता है उसमें से कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड्स हम बेच देते हैं और कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड्स हमारे स्टॉक में भी पड़ा रहता है. तो अगर हम पूरे स्टॉक का, पूरा जितना माल हमने खरीदा उसका अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल ले, तो देन माई परचेज विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. राइट, तब हम परचेज को माइनस करके जीपी और जीपी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अगेन वील डू अ क्विक रिव्यू. देखो, हमें क्या करना है? सम में मेरे को सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया रहेगा, ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस भी सम में मेरे को दिया रहेगा. इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेज. इसमें से हम परचेज को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड ऑन द एंटायर गुड्स. सो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेज इनटू 100 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? जीपी परसेंटेज. फिर सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस में से जीपी परसेंटेज माइनस कर दो, यू विल गेट योर क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट. एब्सोल्युटली क्लियर? एक एग्जाम्पल करते हैं, फटाफट ये सेट हो जाएगा.
total purchases ₹10 lakh, goods sold ₹9,60,000, closing stock at selling price ₹2,40,000. Right, so this is the information given in the question. Right, what they want from us is calculate the value of closing stock at cost. Right, calculate the value of closing stock at cost. So देखो किस तरीके से करेंगे. यहाँ पे हम particulars amount we'll say sales, total sales हमारा कितना है 9,60,000. इसमें हम लोग बोलेंगे एड क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस. राइट, वी से क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितने का है, ये 2,40,000. सो टोटल हमें कितना मिला 12 लाख. ये 12 लाख को हम क्या बोलेंगे, टोटल सेल वैल्यू of goods purchased. Right, what is this total sales value of goods purchased? जो 10 लाख रुपए का हमने माल खरीदा वो टोटल कितने में बिकेगा, टोटल बिकेगा वो 12 लाख में. अभी तक हम 9,60,000 का सेल अचीव कर चुके हैं. जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है उसको फ्यूचर में जब बेचेंगे तब हमें 2,40,000 रुपया और रियलाइज होगा. इसका मतलब क्या कि जो 10 लाख में हमने माल खरीदा था, ये 10 लाख का माल टोटल कितने में बिकने वाला है, 12 लाख में बिकने वाला है. 960 तक हम ऑलरेडी बेच चुके हैं और अगर जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है जो फ्यूचर में अभी बिकेगा उसको बेच के मेरे को 2,40,000 रुपया रियलाइज होगा. Then we'll say less total purchase. Total purchase हमने कितना किया 10 लाख. So 2 लाख rupees is our gross profit. Right? 2 लाख rupees is our gross profit. ठीक है. इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जीपी परसेंटेज. देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाएंगे टोटल गुड्स में 2 लाख. राइट, टोटल सेल्स कितना हम अचीव करेंगे 2 लाख कमाने के लिए, 12 लाख इंटू 100. कितना आ रहा है जीपी परसेंटेज, 16.67%. राइट, 16.67%. तो देखो जीपी परसेंटेज मिल गया ना हमें. अभी क्या करना है हमें, वील कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट. राइट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट. सो हम लोग यहां पे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस. क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना है 2,40,000. राइट, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना है 2,40,000. इसमें से हम बोलेंगे लेस ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, देखो 2,40,000 का सेलिंग प्राइस है और हमारा मार्जिन कितना है इस पे, 16.67% ना. मार्जिन इज 16.67%. राइट, आवर मार्जिन इज 16.67%. सो 2,40,000
इंटू 16.67% ये निकल रहा है 40,008 रुपीज, ठीक है। माइनस करेंगे सो व्हाट वी विल गेट इज 199992, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, राइट, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, एब्सोल्युटली क्लियर। डन, समझ में आया ना स्टेप्स क्या करना है मेरे को? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, क्या मिल जाएगा? सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेज, उसमें से परचेज को माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड ऑन दी टोटल गुड्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड ऑन टोटल गुड्स डिवाइडेड बाय माय सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स इनटू 100, मेरे को क्या मिलेगा? आई विल गेट माय जीपी परसेंटेज। फिर क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू से जीपी परसेंटेज को माइनस कर दो, यू विल गेट दी क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, क्लियर। लेट्स डू फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। लेट्स से यहां पे दिया है क्लोजिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है लेट्स से रुपीस 500, ठीक है। फिर बोला जीपी मार्जिन, इज 25% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, राइट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। कैसे करेंगे इसको? टेल मी द वैल्यू, हाँ तो आंसर बताओ ना फटाफट। अरे दिस इज जस्ट अ बेबी सॉर्ट ऑफ इलस्ट्रेशन, ये तो ऐसे ही मैंने दे दिया कि तुम लोग कर सकते हो कि नहीं, जाग रहे हो गए सो रहे हो पता चले। क्या आया भाई आंसर? थ्री लाख 75,000। दिस इज अ सम फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, अगर ये नहीं होगा ना तो अपने से पूछना कि एम आई गोइंग ऑन द राइट पाथ और नॉट। हो गया तेरा कितना आया आंसर? 3.25 लाख, 4 लाख। आईपीएल की बिडिंग चल रही है अभी और बिड्स, 3,25,000। कितना? 3,75,000। देखा हर एक प्रकार के आंसर। हाँ आई एम आस्किंग, व्हाई आर यू आस्किंग मी? अच्छा क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट निकालना है ना मेरे को, तो ये सब में तो मेरे को सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, मेरे को जीपी परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो कैन आई कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस पर यूनिट? कर सकता हूं ना मैं कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस पर यूनिट? नहीं, हाँ तो बता कितना है फिर। हाँ आई कैन कैलकुलेट माय कॉस्ट पर यूनिट। सी आई नो cost is equal to selling price minus gross profit,
profit. Cost is equal to selling price minus gross profit. So selling price kitna diya hua hai yahan pe? 500. GP bhi to diya hua hai na. We know 25% on cost is equal to 20% on selling price. Right? 25% on cost is 20% on selling price. So 500 into 20% is my gross profit. Right? So mera cost per unit kitna ho gaya? 400 is my cost per unit. So mera closing stock at cost kitna aega? 1000 units hai mere paas. Aur ek unit ka cost kitna hai? 400 rupiya. So this is 4 lakh rupees is the cost of the total inventory. What was the problem in this? I cannot understand why somebody cannot get an answer for this. Huh? Why? GP kitna nikla? Haan, toh GP nikal gaya, phir kya problem tha? So selling price mein se GP minus karte, you would have got the cost. कोई totality basis पे भी करना चाहे तो भी कर सकता है. Closing stock at selling price, ठीक है, 1000 units है, 500 रुपए per unit, right? तो 5 लाख रुपए का total closing stock है selling price पे. Less GP at the rate 20%, so 20% of 5 लाख कितना होगा? 1 लाख. ये भी 4 लाख इस तरह से भी निकल सकता है, right? It will be very easy. Next. राइट, परचेज दिया है, सेल्स दिया है और बोला है क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस. राइट, व्हाट आई वांट यू टू डू इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट. क्विकली 2 मिनट्स आई विल गिव यू फॉर दिस. हाँ, गुड. सी अगेन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो, व्हाट वी नीड टू डू इज वील से सेल्स सिक्स लाख, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस वन लाख, टोटल कितना हो गया? 7 लाख. ठीक है,
फिर वी विल से लेस परचेजेस, कितने का परचेज दिया है क्वेश्चन में, 5 लाख, राइट। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 2 लाख। फिर हम बोलेंगे जीपी परसेंटेज 2 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, विच इज आवर सेल्स वैल्यू, टोटल सेल्स वैल्यू इनटू 100। सो 2/7 इनटू 100 कितना परसेंट आया, ये 28.57 ना। So 28.57% is my GP margin. Fir closing stock at cost nikalna hai. Closing stock at selling price kitna diya hua hai? 1 lakh minus 1 lakh into 28.57%. ठीक है? So, ये कितना निकल रहा है, हाउ मच डज वर्क आउट टू, 71430 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। क्लियर? और एक एग्जांपल, डन। Goods received from supplier 15,75,000, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 3%, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन 87,500, sales for the year 22,45,500. Closing stock at selling price, right? Closing stock at selling price. This is 2,35,000. Okay? Calculate the value of closing stock at cost. राइट, सो देखो क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, दे आर टेलिंग अस गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, कितने का गुड्स हमें मिला है, 15,75,000 का, उसमें 3% हमें ट्रेड डिस्काउंट लगा, मतलब मिला 3% ट्रेड डिस्काउंट, और 87,500 का हमें खर्चा लगा फॉर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर सेल्स हमने ड्यूरिंग द ईयर किया 22,45,500 का, और जो स्टॉक हमारे पास अभी पड़ा हुआ है एट सेलिंग प्राइस, इसका वैल्यू है 2,35,000, राइट। दे वांट अस टू टेल देम के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट।
1 lakh, yes. Done, everyone. See, I am solving this. देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहले purchase price compute करना पड़ेगा, because purchase में trade discount और transportation cost involved है. So we'll say computation of purchase cost. ठीक है, computation of purchase cost. So we'll say purchase price is 15,75,000. Okay, isme we'll say less trade discount. At the rate 3%. So 15,75,000 into 3%, 47,250. ठीक है, तो मेरे को मिला कितना, 15,27,750. इसमें फिर मैं लिखूंगा एड पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कितना है, 87,500, राइट. सो 87,500 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 16,15,250, राइट. ये मेरा आ गया टोटल परचेज कॉस्ट. दिस इज माय टोटल परचेज कॉस्ट. अभी देखो हम क्या करेंगे, वील से सेल्स. ठीक है, सेल्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 22,45,500. इसमें हम लिखेंगे एट क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, राइट. क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस. क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है सब में, 2,35,000, राइट. तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये, 24,80,500. इसमें से फिर हम लिखेंगे लेस परचेस. ठीक है, इसमें से हम लिखेंगे लेस परचेस. परचेस कितने का हमने निकाला, 16,15,250, राइट. ये ऊपर जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, वो 16,15,250, यहां से हम रिड्यूस करेंगे, राइट. वी विल गेट अ जीपी. हाउ मच जीपी आर वी गेटिंग, 865,250. दिस इज माय ग्रॉस
प्रॉफिट, ठीक है। फिर जीपी परसेंटेज निकालेंगे, जीपी परसेंटेज इज जीपी विच इज 865,250 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स दैट कुड बी अचीव्ड, मतलब इस वैल्यू को टेकअप करेंगे सेल्स एक्चुअली अचीव प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस इनटू 100, कितना परसेंट आ रहा है ये? 8% इज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। फिर सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ठीक है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना है? 235,000 लेस 235,000 इंटू 34.88%, कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट? 153,032 इज द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। एब्सोल्युटली क्लियर? चलो अभी वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो देखो, हमने कॉस्ट के रिलेशन में हमें जो भी सीखना था, राइट, वो सारी चीज हम लोग कर चुके, राइट। वी लर्न द फीफो, द एवरेज मेथड, लीफो मेथड और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अभी देखो, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए AS2 में क्या गाइडेंस दिया है? बोला है कि भाई इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट के बारे में तो अभी हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया कि कॉस्ट का क्या क्या कंपोनेंट है, राइट। कॉस्ट का क्या क्या कंपोनेंट होता है? कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्जन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। फिर इस कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? आइदर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से, एवरेज मेथड से, फीफो से, लीफो से, या फिर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से। अभी हम सीखेंगे कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, राइट, एंड हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और AS2 ऐसा क्यों बोलता है दैट इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अभी लेट अस स्टार्ट ऑन विद दिस। सो वी विल से नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, वी विल स्टार्ट अप विद नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। देखो, इंस्टीट्यूट ने नेट रियलाइजेबल वैल्यू को किस तरह से डिफाइन किया? बोला कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। आप ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू कब कैलकुलेट करोगे? ईयर एंड पे, बिकॉज आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कब करते हो? ईयर एंड पे। तो ईयर एंड पे आप इन्वेंट्री का कॉस्ट कैलकुलेट करोगे और इन्वेंट्री का नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दोनों में से जो कम होगा उस पे आपको इन्वेंट्री को वैल्यू करके आपके बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी वही वैल्यू जाएगी। सो देखो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को किस तरह से डिफाइन करा? बोला कि इट इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। व्हाट इज इट? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट नेसेसरी टू कंप्लीट द गुड्स लेस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। मतलब बोला कि आपको क्या करना है, आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए अपना एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। अभी देखो, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको विदाउट गोइंग इनटू एनी डेफिनेशन एटसेट्रा। पहले समझो, मैंने एक कैलकुलेटर खरीदा 400 रुपए में, ठीक है। तो 400 रुपए मेरा क्या हो गया? कॉस्ट। ये कैलकुलेटर मेरे पास ईयर एंड पे 31 मार्च पे पड़ा हुआ था, तो इसको मेरे को वैल्यू करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज दिस इज माई इन्वेंट्री, आई एम इनटू बिजनेस ऑफ सेलिंग कैलकुलेटर्स। तो मैं इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कि जब मैं नेक्स्ट ईयर में अप्रैल में जब इस कैलकुलेटर को बेचूंगा तो बेच के मेरे को कितना पैसा इससे रियलाइज होगा, दैट इज माय नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो मैंने देखा कि ये 550 में बिक जाएगा,
केस वन में। केस टू में मैंने देखा कि ये नहीं 370 में बिकेगा, राइट। दो सेपरेट कंडीशन, या तो 550 में बिकेगा या तो 370 में बिकेगा। अब इसका कॉस्ट कितना है, 400। फर्स्ट केस में एनआरवी कितना है, 550। तो हमें इसको वैल्यू कितने पे करना है, 400 कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई 550 तो हमें कब मिलेगा, जब हम बेचेंगे तब, अभी थोड़ी ना मिला है, राइट। एंड अकाउंट्स का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिज्म। ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कि यू मेक प्रोविजन फॉर ऑल नोन और एक्सपेक्टेड लॉसेस, राइट। यू मेक अ प्रोविजन, यू टेक एन हिट इन योर पीएल, यू डेबिट योर पीएल विथ ऑल नोन एक्सपेंसेस विच माइट बी इनकर्ड इन फ्यूचर और लॉस विच यू मे सफर इन फ्यूचर, बट डोंट एंटिसिपेट प्रॉफिट, राइट। बट डोंट एंटिसिपेट प्रॉफिट मतलब कि अगर आपको लग रहा है आपको कुछ नुकसान होने वाला है तो उसका आप प्रोविजन बना लो, उसका खर्चा आप अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको फायदा होने वाला है, राइट, यू विल अर्न सम प्रॉफिट, तब अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं देखो फायदा को अभी रिकॉर्ड मत करो, वेट टिल द टाइम दैट फायदा इज एक्चुअली रियलाइज्ड। आई क्लियर अबाउट दिस? तो प्रॉफिट है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट अगर लॉस होने वाला है तो उसको मेरे को रिकॉर्ड करना है। सो देखो यहां पे तो मेरे को प्रॉफिट होने वाला है ना, तो स्टैंडर्ड ने बोला फिर कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर 550 पे लेकर जाएंगे इन्वेंट्री को ट्रेडिंग अकाउंट में तो मेरा तो प्रॉफिट 150 से बढ़ जाएगा ना। तो बोला नहीं ऐसा नहीं करने देंगे, इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बट सेकेंड केस में देखो मैंने खरीदा कितने में, 400 में, अभी मेरे को लग रहा है कितने में बिकेगा ये, 370। तो ईयर एंड के डेट पे क्या मेरे को पता है कि मेरे को 30 रुपए का नुकसान होने वाला है इस कैलकुलेटर पे? यस, आई नो दैट देर इज अ कंडीशन एट द ईयर एंड डेट विच सेज दैट देर इज अ प्रोबेबल लॉस इन फ्यूचर ऑफ 30 रुपीज। तब कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई देखो लॉस होने वाला है ना फ्यूचर में, तो लॉस आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आप इन्वेंट्री को कितने पे वैल्यू करोगे, 370। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आप 400 में डालते, अभी कितने में डालोगे, 370 में। तो ऑटोमेटिकली 30 रुपीज से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम होगा तो डायरेक्टली प्रॉफिट भी आपका कम होगा। सो आप क्या कर रहे हो, इसको अगर आप एनआरवी पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप 30 का एक लॉस रिकॉर्ड कर ले रहे हो इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? सो वैल्यूएशन प्रिंसिपल, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लॉजिक और द रैशनल बिहाइंड दिस प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म। क्या है रैशनल? कंजर्वेटिज्म। बिकॉज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसको मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो मोमेंट यू ब्रिंग डाउन योर इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट, मतलब 400 से 370 पे, यू विल रिकॉर्ड अ लॉस। बिकॉज आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, 400 पे परचेज रिकॉर्डेड होगा, इन्वेंट्री कितने पे लेकर आओगे, 370, तो 30 रुपए का एक लॉस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? सो यहाँ पे एक चीज नोट करो कि भाई ये जो हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करते हैं वो क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अगर हमें फ्यूचर में देर इज एन एक्सपेक्टेड लॉस, राइट, इन फ्यूचर इफ देर इज एक्सपेक्टेड लॉस, तब हमें क्या करना है, हमें उस लॉस को रिकॉर्ड कर लेना है। दैट इज वाई वी विल ब्रिंग आवर इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट एट इट्स एनआरवी, ठीक है। तो अभी देखो एनआरवी मतलब क्या, एनआरवी इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। कि भाई 31 मार्च को मेरे पास समझो ये कैलकुलेटर स्टॉक में पड़ा हुआ है, मैं एस्टिमेट करूंगा कि नेक्स्ट ईयर में, मतलब अप्रैल के महीने में जाके जब मैं ये कैलकुलेटर बेचूंगा, ये कैलकुलेटर कितने में
बिकेगा, राइट। ये कैलकुलेटर कितने में बिकेगा, राइट, जितने में बिकेगा दैट इज माई नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो अभी लॉजिकली देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने किस तरह से इसका डेफिनेशन दिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने तो एक डेफिनेशन दिया, कैसे, इट इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट व्हिच इज टू बी एस्टिमेटेड कॉस्ट व्हिच इज टू बी इनकर्ड इन कंप्लीटिंग द प्रोडक्ट एंड लेस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं कि रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी कैसे कैलकुलेट होगी, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए एनआरवी कैसे कैलकुलेट होगी और फिनिश गुड्स के लिए एनआरवी किस तरह से कैलकुलेट होगी। रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल क्या होता है, हमारा इनपुट जिससे हम फिनिश गुड्स बनाने वाले, तो क्या रॉ मटेरियल को हम बेचने वाले हैं कभी भी? नहीं, रॉ मटेरियल को बेचने वाले नहीं है। तो रॉ मटेरियल का जब हम एनआरवी की बात करेंगे ना, वील टॉक अबाउट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अभी देखो इसका जो ज्यादा डिस्कशन होगा ना आपके नेक्स्ट लेवल पे होगा, इंटरमीडिएट लेवल पे। अभी अपन को क्या समझना है, रॉ मटेरियल का जब हम एनआरवी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कैलकुलेट करेंगे, तो रॉ मटेरियल के लिए क्या कंप्यूट करेंगे, उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या, कि इस सेम मटेरियल को, इस सेम रॉ मटेरियल को अभी 31 मार्च के दिन अगर हम खरीदने जाते हैं मार्केट में से, तो हमें कितने में मिलेगा? बट देखो रॉ मटेरियल तो हमें एज सच बेचना नहीं है ना, तो उसके मार्केट प्राइस चेंज से हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो इसको फिनिश गुड्स बना के बेचने वाले हैं। बट अगर इससे बनने वाला फिनिश गुड्स भी लॉस में बिकने वाला है, तब हमें उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेकर आना पड़ेगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस? जो रॉ मटेरियल को यूज करके हम फिनिश गुड्स बनाने वाले हैं, अगर ये फिनिश गुड्स भी लॉस में बिकेगा, तब हम रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेकर आएंगे। आपके लिए अभी एट दिस लेवल यू जस्ट नीड टू नो दिस, राइट। नेक्स्ट लेवल पे जाके इसका डिटेल कॉम्प्यूटेशंस आप लोग समझोगे। WIP के लिए हम देखो किस तरह से निकालते हैं। वी विल से एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। क्या लिया हमने, देखो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कर दो, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट दी गुड्स लेस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक दी। Right, this will be the NRV for my work in progress. So, देखो work in progress क्या है, अभी finish नहीं हुआ है, अभी in process है। तब इसका NRV कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं भाई जब ये finish हो जाएगा तब
तब ये कितने में बिकेगा, तो हम बोलेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। बट अभी ये फिनिश तो हुआ नहीं है ना, अभी तो इसमें कुछ खर्चा लगेगा इसको फिनिश करने में, तो जो अभी खर्चा लगना है इस सेमी फिनिश प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में उसको लेस करेंगे। माल बेचने के लिए जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमें लगेगा विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, लेट्स से सीएनएफ एजेंट का कमीशन, या तो अगर हम फ्रेट डिलीवरी चार्जेस हम बेयर कर रहे हैं हमारे कस्टमर को माल भेजने के लिए, तो वो राइट, सो कॉस्ट नेसेसरी टू मेक दी सेल उसको लेस करेंगे तो हमें WIP का NRV मिलेगा। अगर फिनिश गुड्स के बारे में बात करें, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, राइट, फिनिश गुड्स का एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, राइट, लेस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, दिस इज द NRV। बिकॉज देखो फिनिश गुड्स तो कंप्लीट हो चुका है ना, इसमें तो और कोई कॉस्ट लगना नहीं है, तो इसमें से क्या माइनस होगा, खाली कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। एब्सोल्युटली क्लियर। सो देखो इसका और एक आपको एग्जांपल बताता हूं, समझ लो, इज एवरीबडी डन डूइंग दिस, श्योर? सो देखो यहां पे किस तरह से करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल के हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट पर यूनिट उस प्रोडक्ट का है समझ लो ₹350, राइट, कॉस्ट पर यूनिट उस प्रोडक्ट का कितना है ₹350, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, राइट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अभी दो सिचुएशन में डिवाइड करते हैं इसको, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फर्स्ट सिचुएशन में लेट्स से ₹400, सेकेंड सिचुएशन में लेट्स से इट इज ₹450, ठीक है, फिर यहां पे कमीशन एट द रेट 10%, सो दिस इज कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, माल बेचेंगे तो कमीशन देना पड़ेगा। सेकेंड सिचुएशन में कमीशन एट द रेट 25%, राइट। अभी हमें क्या निकालना है, हमें इन्वेंट्री का वैल्यू निकालना है कि इसको कितने पे हम वैल्यू करेंगे। सो देखो हमारा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इस केस में कितना है 400, राइट, दिस इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट necessary to make the sale, कितना cost necessary है sale करने के लिए, 400 का 10% commission देना पड़ेगा ना हमें, तो ₹40 commission expense incur होगा, right? तो इसका NRV कितना निकला 360, right? NRV कितना निकला 360, inventory को कितने पे value करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, कॉस्ट कितना है यहां पे हमारा 350 और NRV कितना है 360, तो इन्वेंट्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 350। एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस। सेकेंड सिनेरियो में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, राइट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना है सेकेंड सिनेरियो में 450 लेस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, ठीक है,
450 का 25% कमीशन देना पड़ेगा ना इस केस में, तो 450 इंटू 25% कितना हो गया 112.50, कितना हो गया एनआरवी 337.50, दिस इज माय एनआरवी राइट। सो फिर इन्वेंट्री वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, कॉस्ट कितना है 350, एनआरवी कितना है 337.50, तो यहाँ पे तो मेरे को लॉस होने वाला है ना माल बेच के राइट। सो वैल्यू माय इन्वेंट्री एट 337.50 बीइंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, आर यू क्लियर अबाउट इट। तो एनआरवी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एनआरवी आप लोगों को जो आएगा ना लार्जली फिक्स फिनिश गुड्स का ही आएगा, तो फिनिश गुड्स में करना क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, व्हाट यू गेट इज योर एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एब्सोल्युटली क्लियर, लेट्स मूव ऑन। फिर देखो एस टू है ना, ये एनआरवी के बारे में और एक बात बोलता है, ठीक है, ये क्या बोलता है, एस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी इज टू be made, right? Comparison on cost or NRV is to be made on an item by item basis, right? Comparison of cost and NRV is to be made on an item by item basis. So what are they trying to say? Let us understand. ठीक है? समझ लो, we have year ended 31st March 2018. ठीक है? हमारे पास as usual जैसे हम लोग example लेते हैं ना, we are into a mobile phone business. ठीक है? हमारे पास कुछ मोबाइल फोन ईयर एंड पे पड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उनका कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे, उनका एनआरवी आइडेंटिफाई करेंगे, एंड वील वैल्यू देम एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो समझ लो हमारे पास कुछ मोबाइल फोन पड़े हुए हैं, राइट, लेट से हमारे पास पांच मोबाइल फोन है, इनका अगर मैं कॉस्ट देखूं ऑन दीज पर्टिकुलर डेट्स, ठीक है, सो इट इज लेट से 10,000, 12,000, ठीक है, 15,000, 22,000, ठीक है, एंड दिस इज लेट से 14,000, इसका टोटल बताना एक बार, $73,000 के कॉस्ट के मोबाइल मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जब मैंने इसका एनआरवी देखा, एनआरवी मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक दी सेल, तब मैंने देखा कि भाई ये वाला A7 तो 11,000 में बिकेगा, S9 जो मेरा है वो 10,500 में बिकने वाला है, ये जो A8 है ये 18,000 में बिकने वाला है, M7 बिकेगा मेरा 20,000 में, और S6 मेरा बिकेगा समझ लो 16,000 में, ठीक है। तो 11 प्लस 10.5 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 16 कितना आ रहा है 75,500। तो बताओ इन्वेंटरी को कितने पे वैल्यू करें,
जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, ट्रेडिंग बनाऊंगा, तो मेरे को इन्वेंट्री को कितने पे लेकर जाना है? 73 के 75,500 कितने पे? 73. हाउ मेनी अग्री फॉर 73? अच्छा 75, दो ही वैल्यू है भाई, देखो एक तो चूज करना पड़ेगा. राइट, यू कैन नॉट डू इट ऑन बल्क बेसिस. देखो स्टैंडर्ड ने क्या बोला, एज पर एएस टू कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी इज टू बी मेड ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस. ये तो हो गया ग्लोबल बेसिस पे या ग्रुप बेसिस पे, वैसे नहीं करना है. मेरे को क्या करना है, मेरे को और एक कॉलम बनाना पड़ेगा, वील से कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. राइट, हम कंपेरिजन करेंगे कॉस्ट और एनआरवी का. तो ए सेवन के केस में कौन सा आएगा? 10,000 विच इज कॉस्ट. एस नाइन के केस में 10,500 विच इज दी एनआरवी. ए एट के केस में 15,000 विच इज दी कॉस्ट. एम सेवन के केस में 20,000 विच इज दी एनआरवी. और एस सिक्स के केस में 14,000 विच इज दी कॉस्ट. तो अभी देखो टोटल कितना आ रहा है, 10 + 10.5 + 15 + 20 + 14. कितने पे इन्वेंट्री वैल्यू हो रहा है देखो, 69,500. और वो कंपैरिजन करने के बाद आपको इसको एड अप करना है. एब्सोल्युटली क्लियर? सो दो वैल्यूज दी रहेगी उससे नहीं, आपको जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री दिखाना है वो दिखाना है आफ्टर कंपेयरिंग ईच आइटम. ठीक है, सो दिस इज माय वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. राइट, दिस इज माय वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. Done? Understood? देखो अभी हम लोग है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में जाएंगे. राइट, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. देखो सिंपल चीज है, किसी भी चीज को समझने के दो तरीके होते हैं. एक के मेथडोलॉजी याद कर लो, वो चीज बन जाएगी. सेकेंड, उसको कॉन्सेप्ट से समझो. तो मेथडोलॉजी याद नहीं भी है तभी भी आप उस सम को सॉल्व कर सकोगे. राइट, सो अभी जो पोर्शन में हम लोग अभी जाएंगे ना, दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल पोर्शन, बिकॉज यहाँ पे हमें काफी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. राइट, तो यू हैव टू हैव योर कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या किया ना, हमने इन्वेंट्री के कॉस्ट को समझ लिया, हमने इन्वेंट्री के एनआरवी को समझ लिया, और हमने कंपैरिजन करके इन्वेंट्री का वैल्यू किस तरह से निकालना है वो भी हम लोगों ने समझ लिया. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो टू अदर पार्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन. अभी देखो इन्वेंट्री का वैल्यू किस तरह से निकलता है, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. हम क्वांटिटी को उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वैल्यू. राइट, वैल्यू कोई भी कैसे निकलेगा, क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू वैल्यू. तो अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज की ना उसमें हम लोग रेट निकाल रहे थे. क्या निकाल रहे थे? रेट. हमने फीफो का रेट निकाला, वेटेड एवरेज का रेट निकाला, लीफो का रेट निकाला. राइट, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस पे काम किया. अभी हम क्वांटिटी पे काम करेंगे, बिकॉज वी नो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज व्हाट, क्वांटिटी इनटू द कॉस्ट और द रेट पर यूनिट. नाउ वी विल सी के भाई ये जो क्वांटिटी डेराइवेशन होता है, ये क्वांटिटी का डेराइवेशन किस तरीके से होता है. देखो प्रैक्टिकली क्या होता है ना, के टू डिराइव द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, फर्स्ट स्टेप इज के आप एक फिजिकल काउंट करोगे. क्या करोगे? फिजिकल काउंट. समझ लो अगर हमारा मोबाइल का बिजनेस है तो हमें क्या करना है कि इन्वेंट्री को तो वैल्यू करना पड़ेगा. इन्वेंट्री को वैल्यू कब करना पड़ेगा? हम नॉर्मली इन्वेंट्री का वैल्यू किस दिन का निकालते हैं? ईयर एंड, मतलब 31 मार्च. इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल. एंड कब होता है? 31 मार्च. तो बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री का वैल्यू हमें लिखना है या ट्रेडिंग अकाउंट में जो इन्वेंट्री का वैल्यू हमें लिखना है,
वो इन्वेंट्री का वैल्यू किस दिन का होना चाहिए? 31 मार्च के दिन का होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, 31 मार्च के दिन हमारा डे एंड पे जितना भी इन्वेंट्री है उसको काउंट करना है और रिस्पेक्टिव रेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमें इन्वेंट्री का वैल्यू डिराइव कर लेना है। सो नाउ वील टॉक अबाउट द क्वांटिटी पर्सपेक्टिव, राइट, वील टॉक अबाउट क्वांटिटी पर्सपेक्टिव। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल स्टॉक काउंट, राइट, वी कॉल दिस एज फिजिकल स्टॉक काउंट और इन्वेंटरीज टेकिंग। राइट, मे बी इन फ्यूचर शॉर्टली जब आप अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, राइट, यू विल हैव टू फेस सच अ सिचुएशन जहां पे आप एक इन्वेंट्री काउंट ऑब्जर्व करोगे, राइट। देर आर एंड इट इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब फर्स्ट टाइमर्स जो होते हैं उनको काफी एक्साइटिंग लगता है कि देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इन्वेंट्री, राइट, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, राइट। किसी के पास लेट्स से मोबाइल फोन का इन्वेंट्री है, कोल माइंस में जाओगे तो कोल माइन में कितना रिजर्वियर पड़ा हुआ है दैट, और मे बी इफ यू गो टू लेट्स से FMCG products, biscuits, your let's say cold drinks, right? बहुत सारे let's say agricultural activities भी होती है, so agricultural का stock, तो किस तरह से अलग अलग stock को count किया जाता है, right? That is also an interesting activity. So यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, we'll talk about physical stock count और inventories taken. So देखो जब भी हम value of inventory की बात करते हैं ना, whenever we talk about value of inventory, we talk about quantity into rate. Rate is basically cost per unit, or maybe it can also be the NRV, right, if it is lower, right. So, ये जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हमें चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हमें किस डेट का चाहिए, किस डेट का चाहिए वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ईयर एंड डेट, ठीक है, वी नीड द इन्वेंट्री ऑफ द ईयर एंड डेट, मतलब 31 मार्च, राइट, हमें 31 मार्च का वैल्यू चाहिए। सो देखो हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी इनटू रेट करके निकालेंगे। तो ये जो क्वांटिटी हमें चाहिए कौन से डेट का चाहिए, ऑब्वियसली 31 मार्च का क्वांटिटी होगा ना, तभी हम 31 मार्च के वैल्यू तक अराइव कर सकेंगे। और ये जो क्वांटिटी है हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हाउ डू वी डिटरमाइन दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, फिजिकल काउंट करके, राइट, गिन के ये क्वांटिटी हम डिटरमाइन करते हैं। आर यू क्लियर अबाउट दिस। सो देखो वी अंडरस्टूड के वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री किस दिन का वैल्यू चाहिए हमें, ईयर एंड का, 31 मार्च का। वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं, क्वांटिटी इनटू रेट करके। तो क्वांटिटी भी किस दिन का चाहिए हमें, क्वांटिटी चाहिए हमें 31 मार्च का। ये क्वांटिटी 31 मार्च का अगर हमें चाहिए तो कैसे मिलेगा, बोला फिजिकल काउंट करके, दुकान में कितने मोबाइल फोन है गिनो जाके, तो पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल थी। तो ये फिजिकल काउंट भी किस दिन करना पड़ेगा, 31 मार्च को फिजिकल काउंट मेरे को करना पड़ेगा। बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, क्या, देखो जितने भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है सबको अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना पड़ता है और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ फाइल करना पड़ता है,
एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सही निकले, बिकॉज अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सही नहीं निकलेगा तो प्रॉफिट का अमाउंट सही नहीं निकलेगा. Do you think is it possible for everyone in India to do a count on 31st day end? Right, 31st March को ही क्या इंडिया में सबके लिए पॉसिबल है कि उसी दिन एक ही दिन में वो लोग स्टॉक काउंट कर ले? द आंसर इज नो. बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजंस के वजह से बहुत ऑर्गेनाइजेशंस 31st मार्च को स्टॉक काउंट नहीं कर सकते हैं. अब द रीजंस कुड बी, एक मेजर रीजन, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के पास इतनी सारी इन्वेंट्री होती है कि उनको स्टॉक काउंट करने में लेट्स से 15 दिन लग जाते हैं. दे कैन नॉट इवन कवर द स्टॉक इन अ डे. क्या 31st मार्च को कर लेंगे एक दिन में स्टॉक काउंट? नॉट पॉसिबल. अभी जरूरी नहीं है कि सबके पास 31st मार्च को ही इतना मैन पावर अवेलेबल हो स्टॉक काउंट करने के लिए, राइट? सो दे मे डू अ काउंट either before 31st of March or they may do a count either after 31st of March. बहुत बार क्या होता है कि जो ऑडिटर्स होते हैं उनको स्टॉक काउंट ऑब्जर्व करना पड़ता है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो मे बी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके पास उतना मैन पावर अवेलेबल ही नहीं है कि 31st मार्च को वो सारे क्लाइंट्स पे जाके स्टॉक काउंट करवा सके, तो उसको स्टैगर्ड मैनर पे करना पड़ेगा. कुछ का वो पहले करेगा ईयर एंड से, कुछ का वो बाद में ऑब्जर्व करेगा ईयर एंड से. सो बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस द काउंट मे नॉट बी डन ऑन 31st ऑफ मार्च. तो 31st मार्च को अगर काउंट नहीं हो रहा है तो आइदर 31st मार्च के पहले करेंगे या 31st मार्च के बाद करेंगे. तो जिस दिन काउंट करेंगे उस दिन का वैल्यू मिलेगा ना, राइट? जिस दिन हम काउंट करेंगे उस दिन का वैल्यू मिलेगा, बट हमें वैल्यू चाहिए किस दिन का? 31st मार्च. तो अभी तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ना, राइट? बिकॉज वी नीड अ वैल्यू ऑन 31st मार्च, बट प्रैक्टिकली 31st मार्च को सब लोग स्टॉक काउंट कर ले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, राइट? सो देखो हमें करना क्या है. वी नो दैट वी नीड टू बी डूइंग अ स्टॉक काउंट ऑन विच डेट? We need to do a stock count on 31st of March, right? तो यहाँ पे ये जो 31st March है ये हमारा stock count का date है. But क्या हम stock count कर सकेंगे हर एक situation में on 31st of March? No. तो कुछ situation में क्या करते हैं ना, हम before, year end count कर लेते हैं. और कुछ सिचुएशन में जो काउंट होगा वो कब होगा? आफ्टर ईयर एंड, राइट? आफ्टर ईयर एंड. बिकॉज आइडियली जो काउंट होना चाहिए वो कब होना चाहिए? 31st मार्च को. बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, द काउंट मे नॉट बी डन ऑन 31st मार्च. The count may be done either before the year end, मतलब before 31st of March, or after the year end, that is after 31st of March. तो maybe let's take an example के before 31st March मतलब हम 26th March को stock count करा रहे हैं for our example purpose. And after year end let's take an example के हम 5th April को stock count करा रहे हैं. हमारे लिए possible नहीं है कि हम 31st मार्च को काउंट करें, इसलिए फर्स्ट सिचुएशन में या तो हम 26 मार्च लेते हैं, अगर आफ्टर ईयर एंड कर रहे हैं तो 5th अप्रैल. तो अगर हम 26 मार्च को स्टॉक काउंट करेंगे तो हमें किस दिन का वैल्यू मिलेगा स्टॉक का? ऑब्वियसली 26th मार्च, बिकॉज वी आर डूइंग द काउंट ऑन विच डेट? 26th ऑफ मार्च. तो जो वैल्यू, जो क्वांटिटी डिराइव होगी वो किस दिन की डिराइव होगी? 26th. तो इस डेट की वैल्यू हम बैलेंस शीट में डालेंगे तो चलेगा क्या? बैलेंस शीट में तो लिखते हैं ना एज एट 31st ऑफ मार्च, बट स्टॉक इज तो एज एट 26th ऑफ मार्च, चलेगा क्या? नहीं. हमारा क्या बैलेंस शीट पीएल सही प्रॉफिट का नंबर फाइनेंशियल पोजीशन देगा क्या? नहीं. सो कोई तो उपाय करना पड़ेगा ना. तो हम क्या करेंगे, अगर हम 26th मार्च को स्टॉक काउंट कर रहे हैं ना, तो हमें 26th मार्च की वैल्यू में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे सो दैट वी अराइव एट द वैल्यू ऑन 31st ऑफ
मार्च। इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं रोल फॉरवर्ड, राइट। इस तरह के प्रोसीड्योर को हम लोग बोलते हैं रोल फॉरवर्ड प्रोसीड्योर, जिससे हम अगर ईयर एंड के पहले काउंट कर चुके हैं तो ये एडजस्टमेंट्स करके हम ईयर एंड की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। और अगर हमने 5th अप्रैल को काउंट किया है तो क्या 5th अप्रैल की वैल्यू से हमारा काम चलेगा? नहीं, हमें क्या करना है, हमें 31 मार्च की वैल्यू डिराइव करनी है। तो अभी हमें 31 मार्च से, 5th अप्रैल से 31 मार्च तक चल के जाना है। इसको बोलेंगे हम लोग रोल बैकवर्ड। राइट, वील कॉल दिस एज रोल बैकवर्ड। तो सिंपल चीज है, ईयर एंड से पहले कर लिया है अकाउंट तो डू अ रोल फॉरवर्ड एंड अराइव एट वैल्यू ऑफ 31 मार्च। ईयर एंड के बाद अगर आपने वैल्यूएशन किया है, स्टॉक काउंट किया है, तो आप क्या करोगे, यू विल गो बैकवर्ड टू द वैल्यू ऑफ 31 मार्च। बिकॉज आपको वैल्यू किस डेट की चाहिए, 31 मार्च की, बिकॉज आप बैलेंस शीट कब बना रहे हो, एज ऑफ 31 मार्च। सो यू नीड टू डू अ रोल फॉरवर्ड और अ रोल बैकवर्ड टू अराइव एट द वैल्यू एज ऑन 31 मार्च। एब्सोल्युटली क्लियर? अभी ये किस तरह से करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, पहले रोल फॉरवर्ड की बात करते हैं, फिर रोल बैकवर्ड पे चलेंगे। कि हाउ डू वी डू दीज एडजस्टमेंट्स। सो देखो, बात समझो, हमने काउंट किस दिन किया, 26। हमें वैल्यू किस दिन की मिलेगी, 26, बट उससे काम नहीं चलेगा, हमें वैल्यू किस दिन की चाहिए, 31। सो देखो हम क्या करेंगे, वील से वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किस डेट का, 26 मार्च का। किस डेट का हमारे पास है, 26 मार्च का। एंड वैल्यू कौन सी लेंगे, एट कॉस्ट। तो हमें पता है कि 26 मार्च को हमारे पास कितने कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। एब्सोल्यूटली क्लियर अबाउट दिस? हमें पता है कि 26 मार्च को हमारे पास कितने कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। अभी हमें इसमें से कुछ एडजस्टमेंट करने हैं और 31 मार्च के स्टॉक को अराइव करना है। अभी देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, समझ लो आप लोग कुछ बिजनेस कर रहे हो, मैं आपका ऑडिटर हूं, मैं आपको आके बोलता हूँ सर 26 मार्च को आपका स्टॉक काउंट करेंगे, 26 मार्च के बाद एक काम करना, स्टॉक का वैल्यू निकल जाएगा ना, तो आप 5-6 दिन की छुट्टी पे चले जाना, बिजनेस को बंद रखना, क्योंकि तब क्या होगा ना, अच्छा होगा ना, जो 26 तारीख को आपका स्टॉक होगा वही 31 को स्टॉक होगा, बिकॉज आपने कोई काम धंधा तो उसके बाद किया नहीं, चलेगा क्या? आप लोग बोलोगे सर आप रिजाइन कर दो, वो चलेगा, धंधा बंद करोगे, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। सो योर बिजनेस एक्टिविटीज विल कंटिन्यू। तो बिजनेस एक्टिविटी क्या करते हो स्टॉक के रिलेशन में, बताओ तो, व्हाट डू यू डू इन रिलेशन टू स्टॉक? परचेज एंड सेल्स, आप कुछ माल खरीदोगे, कुछ माल आप बेचोगे। तो अच्छा एक बात बताओ, आपने 26 मार्च को तो स्टॉक काउंट कर लिया अपना, ठीक है, उसके बाद क्या कुछ माल खरीदोगे बेचोगे? नहीं, ऑब्वियसली खरीदोगे भी बेचोगे भी। तो अगर 26 मार्च के बाद कुछ माल आप खरीद रहे हो, राइट, इफ यू मेक सर्टेन परचेजेस आफ्टर 26th of March, तो वो माल क्या आपके पास 31 के दिन तक पड़ा रहेगा क्या? यस, इफ यू आर मेकिंग अ परचेज आफ्टर 26, समझ लो आपके पास 100 पीस थे 26 तारीख, आपने और 50 पीस खरीद लिए ऑन लेट्स से 28th of March, तो विल योर स्टॉक इंक्रीज? यस, कितना स्टॉक हो जाएगा आपका, 150। समझ लो आपने कुछ 30 पीस बेच दिए बिटवीन 27 टू 31st of March, तो 30 पीस से क्या आपका स्टॉक कम हो जाएगा?
यस कम हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ना, परचेज सेल, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का प्राइमरीली एडजस्टमेंट मेरे को करना पड़ेगा. बिकॉज अगर 26 को स्टॉक काउंट कर लिया, उसके बाद अगर कुछ माल हम खरीदते हैं तो हमारा तो स्टॉक बढ़ गया ना, राइट, आवर स्टॉक इंक्रीज. अगर 26 के बाद 31 तक कुछ माल बेचते हैं तो हमारा माल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो ये एडजस्टमेंट्स मेरे को यहाँ पे करने पड़ेंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट एडजस्टमेंट. हम लोग लिखेंगे एड परचेज ऑफ गुड्स बिटवीन दी, और ये वैल्यू टर्म में सारे एडजस्टमेंट हो रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स बिटवीन दी डेट ऑफ काउंट एंड ईयर एंड डेट. मतलब काउंट होने के बाद बट ईयर एंड डेट तक जो भी माल हम खरीदेंगे उसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में एड करेंगे. बिकॉज 31 मार्च को हमारा इतना ही वैल्यू होता अगर 31 मार्च को हम काउंट करते तो, क्योंकि इतना एडिशनल माल हम खरीद चुके थे बिटवीन द डेट ऑफ काउंट एंड द ईयर एंड डेट. एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस? तो हम क्या करेंगे, परचेज बिटवीन द डेट ऑफ काउंट एंड द ईयर एंड डेट को एड करेंगे. बिकॉज ये माल हमने 26 के बाद खरीदा बट 31 के पहले या 31 तक खरीद लिया था तो हमारा स्टॉक इतने से 31 का ज्यादा था. एब्सोल्युटली क्लियर? अभी देखो, अब 26 के बाद मतलब 27 से 31 तक, 27 से 31 तक कुछ माल बेचेंगे भी, तो 26 को तो वो माल था बट 31 को क्या वो माल हमारे पास पड़ा हुआ है? नहीं, वो तो हमने बेच दिया ना. सो क्या करना पड़ेगा, लीव सम स्पेस, हाँ एड और आइटम्स है उसके लिए स्पेस छोड़ के करना. लेस, वेट, लेस क्या करेंगे, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. व्हाट विल बी रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. बिकॉज ये इन्वेंट्री किस पे है, कॉस्ट, और सेल्स किस पे होगा, सेल्स वैल्यू पे. सेल्स वैल्यू रिड्यूस नहीं करनी है, क्या रिड्यूस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बिटवीन द डेट ऑफ काउंट एंड द ईयर एंड डेट, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिटवीन द डेट ऑफ काउंट एंड द ईयर एंड डेट, राइट. जो भी सेल्स हम करेंगे उसको हम क्या करेंगे, लेस. बिकॉज 26 को जब काउंट किया ईयर एंड के पहले, जब हमने ये काउंट किया तब तो ये माल हमारे पास था बट काउंट के डेट के बाद हम इस माल को बेच चुके हैं, 31 को ये माल हमारे पास नहीं है. आर यू एब्सोल्युटली क्लियर? नेक्स्ट आइटम. अभी देखो, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, मैं आपको बोलूंगा आप लोग ही मेरे को बता दोगे. परचेज रिटर्न बिटवीन द डेट ऑफ काउंट एंड द ईयर एंड डेट, मतलब 27 से 31 के बीच में जो आप परचेज रिटर्न करते हो उसको आप क्या करोगे, लेस. वेरी गुड. वाई लेस? बिकॉज जब 26 को मैंने स्टॉक काउंट किया तब तो वो माल मेरे वेयरहाउस में पड़ा हुआ था बट काउंट के डेट के बाद ये माल हमने हमारे सप्लायर को रिटर्न कर दिया, तो क्या ये माल 31 को भी हमारे पास है? नहीं है. तो क्या करना है मेरे को, लेस. तो वील से लेस परचेज रिटर्न बिट
between date of count and year end date, right? Purchase return between the date of count and the year end date. Absolutely clear. अभी sales return का क्या होना चाहिए बताओ? वो logic है, purchase less कर रहे हैं तो sales को add. Logically देखो क्या हो रहा है. Sales return, जब 26 को हमने count किया तब ये माल हमारे वेयरहाउस में नहीं था बिकॉज हम उसको ऑलरेडी बेच चुके थे. 27 से 31 के बीच में हमारे कस्टमर ने हमें माल रिटर्न कर दिया. तो अगर 31 को काउंट करते तो ये माल तो हमारे वेयरहाउस में ही पड़ा था ना, तो हमारे स्टॉक का वैल्यू ज्यादा होता. तो क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड. क्या ऐड करेंगे भाई? सेल्स रिटर्न किस वैल्यू पे होता है? सेल्स रिटर्न तो सेल्स वैल्यू पे होता है ना, बट हमें ऐड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर. क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर. सारे एडजस्टमेंट कॉस्ट पे ही यहां पे होंगे. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, दैट इज योर सेल्स रिटर्न बिटवीन द डेट ऑफ काउंट एंड द ईयर एंड डेट. एब्सोल्युटली क्लियर. अभी देखो एक बात बताओ, अभी थोड़ा लॉजिकल डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूं कि समझो हमने हमारा कुछ माल, ध्यान से सुनो व्हाट आई एम सेइंग, हमने हमारा कुछ माल सेल और रिटर्न बेसिस पे हमारे कस्टमर्स को देकर रखा है. क्या हमने हमारा कुछ माल सेल और रिटर्न बेसिस पे हमारे कस्टमर्स को देकर रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, ये माल किसका है? ये गुड्स किसका है? हमारा, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन, ये माल किसका है? हमारा. ये माल पड़ा कहां पे है? कस्टमर के पास. कहां पड़ा है? कस्टमर के पास. तो जब 26 मार्च को हमने स्टॉक काउंट किया तब ये माल हमारे वेयरहाउस में मिलेगा क्या? नहीं, ये माल हमारे वेयरहाउस में, माल तो हमारा है बट क्या हमारे वेयरहाउस में पड़ा हुआ है? नहीं, ये कहां पड़ा हुआ है? विथ माय कस्टमर. बट माल तो मेरा है ना. डू आई हैव टू शो इन माय बैलेंस शीट एज माय स्टॉक? यस. तब क्या करना पड़ेगा मेरे को? एड. क्यों एड कर रहे? बिकॉज फिजिकल काउंट में तो ये माल मिला ही नहीं, बिकॉज ये माल हमारे पास पड़ा हुआ ही नहीं था, ये हमारे कस्टमर के पास पड़ा हुआ था. सेकेंड सुन लो, हम लोग कौन है? कंसाइनर. हम लोग कौन है? कंसाइनर. हमने कुछ माल कंसाइनमेंट पे हमारे कंसाइनी को भेजा हुआ है. ये गुड्स किसका है? ओनर कौन है गुड्स का? कंसाइनर. गुड्स कहां पे पड़ा हुआ है? कंसाइनी के पास. तो जब 26 को हमने काउंट किया ये माल हमारे वेयरहाउस में था? नहीं था. कहां पड़ा था? कंसाइनी. बट क्या ये हमारा माल है? यस. क्या करना पड़ेगा? तो देखो, सेल ऑन अप्रूवल पे भेजा है या कंसाइनमेंट बेसिस पे भेजा है? माल फिजिकली पड़ा हुआ है किसी और के पास बट ये माल है किसका? हमारा. क्या करेंगे? अच्छा एक बात याद रखना, एड किस वैल्यू पे करेंगे? एट कॉस्ट. किस वैल्यू पे? एट कॉस्ट. बिकॉज सेल ऑन अप्रूवल पे भेजेंगे तब तो सेल्स वैल्यू पे ही भेजेंगे. अगर हमने कंसाइनमेंट पे भी भेजा है तो हो सकता है इनवॉइस प्राइस पे भेजा है. हमें करना है एडजस्टमेंट किस पे? एट कॉस्ट.
goods lying with third party. Goods lying with third party on sale or return or consignment किस वैल्यू पे लेना है ये एडजस्टमेंट एट कॉस्ट. ठीक है, अभी और एक सिचुएशन सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. हम वो कस्टमर है जिनको गुड्स अप्रूवल पे मिला है. हम कौन है? कस्टमर. हमें गुड्स अप्रूवल पे मिला है, इसका मतलब क्या? किसी और का गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है. ये गुड्स किसका है? किसी और का, सेलर का. पड़ा कहां पे है? हमारे पास. तो जब 26 को काउंट किया तो हमारे वेयरहाउस में ये गुड्स पड़ा हुआ था. यस, इट वॉज देयर, बिकॉज माल तो हमारे पास पड़ा था, बट माल का मालिक कौन है? और कोई, द सेलर. तो जब हमने फिजिकल काउंट किया होगा तब इस गुड्स को भी गिन लिया होगा हमने, बट क्या ये गुड्स हमको बिलोंग करता है? नहीं. क्या करना पड़ेगा? लेस. वन मोर थिंग, वी आर द कंसाइनी. फर्स्ट एग्जाम्पल में हम कौन थे? कंसाइनर. अभी हम कौन बन गए? कंसाइनी. तो हमारे पास किसी और का गुड्स पड़ा हुआ है. गुड्स फिजिकली किसके पास है? हमारे पास. गुड्स का मालिक कौन है? ओनर कौन है? कंसाइनर. तो जब 26 को हमने काउंट किया, ये माल कहां पड़ा हुआ था? हमारे वेयरहाउस में. बट क्या ये माल हमारा है? नहीं. क्या करना पड़ेगा? लेस. सो वील से लेस. Goods lying in our premises belonging to others, right? Belonging to others received on sale or approval or on consignment, right? Or on consignment. ठीक है, this will also be at cost. Absolutely clear about these adjustments, right? So, देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब को add करेंगे और उसमें से ये सब items को less करेंगे तो हमें मिलेगा value of stock on 31st of March. Absolutely clear. क्या मिलेगा? Value of stock on 31st of March. इस equation को वापस एक बार revise करते हैं. ठीक है, देखो हमने क्या किया, हम लोगों ने stock count किया 26 March को, that is before the year end. हमें क्या चाहिए? हमें inventory का value चाहिए on 31st of March. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो स्टॉक में मूवमेंट हुआ उसको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन अराइव एट अ वैल्यू ऑन 31st ऑफ मार्च. तो देखो क्या करेंगे हम, अगर हमने काउंट के डेट के बाद बट ईयर एंड डेट से पहले कुछ परचेज किया है तो उसको क्या करेंगे? ऐड. क्यों? क्योंकि जब 26 मार्च को काउंट किया तब ये माल हमारे पास नहीं था, ये माल 26 मार्च के बाद हमारे पास आया. अगर हमने डेट ऑफ काउंट के बाद कुछ सेल किया है
तो जब काउंट किया तब तो ये माल हमारे पास पड़ा था, उसके बाद हमने ईयर एंड से पहले इसको बेच दिया, क्या करेंगे लेस। अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, जब काउंट किया तब माल हमारे पास पड़ा था, काउंट के बाद हमने अपने सप्लायर को ये माल रिटर्न कर दिया, क्या करेंगे लेस। सेल्स रिटर्न हो रहा है, काउंट किया तब तो माल हमारे पास नहीं था, उसके बाद हमारे कस्टमर ने ये माल हमें लौटा दिया, हमें रिटर्न कर दिया, क्या करेंगे ऐड। अगर हमारा माल किसी और के पास पड़ा है ऑब्वियसली ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज जब वेयरहाउस में हमने काउंट किया तब वो माल नहीं था। अगर किसी और का माल हमारे पास पड़ा हुआ है तब वो तो हमने काउंट कर लिया होगा हमारे वेयरहाउस में से, अभी क्या करना पड़ेगा लेस। एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस। अभी देखते हैं सिचुएशन व्हेन द काउंट इज डन आफ्टर द ईयर एंड, तो हमें देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, किस दिन का वैल्यू मिलेगा 5th अप्रैल, बिकॉज हम लोग अज्यूम कर रहे हैं हम लोगों ने 5th अप्रैल को काउंट किया है, एंड दिस विल बी एट कॉस्ट। अभी एक लॉजिकली बात तो आपको समझ में आई होगी कि एडजस्टमेंट तो सेम नेचर के होंगे, राइट। अभी सोचना ये है कि ऐड करना है कि लेस करना है, उसको अभी एक बार लॉजिकली हम लोग फिट करते हैं। तो देखो हमने काउंट कब किया, 5th अप्रैल को हम लोगों ने काउंट किया, तो हमें एडजस्टमेंट कौन से ट्रांजैक्शन का करना है। 1st अप्रैल से 5th अप्रैल के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए अगर उसको एडजस्ट कर देंगे तो 31 मार्च तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो एक बात समझो, अगर मैं बोलूं परचेज बिटवीन 1st अप्रैल एंड 5th अप्रैल, क्या परचेज बिटवीन 1st अप्रैल एंड 5th अप्रैल क्या करना चाहिए हमें लेस। क्यों, बिकॉज 31st को ये माल नहीं था हमारे पास, 1st से 5th के बीच में हमने ये माल खरीदा और जब काउंट किया तब ये माल हमारे पास पड़ा हुआ था, तो ये हम लोगों ने काउंट कर लिया। बट क्या ये 31st को हमारे पास था, नहीं, ये खरीदा कब हमने, आफ्टर द ईयर एंड, क्या करेंगे लेस। सो वी विल से लेस परचेज बिटवीन, राइट, परचेज बिटवीन 1st अप्रैल एंड द डेट ऑफ काउंट, राइट, परचेज बिटवीन द 1st अप्रैल एंड डेट ऑफ काउंट, फर्स्ट डे से डेट ऑफ काउंट के बीच में जो भी परचेज करेंगे उसको क्या करेंगे लेस। ठीक है, सेल्स की बात करते हैं, सेल्स बिटवीन 1st अप्रैल एंड द डेट ऑफ काउंट क्या करना है, सेल्स मेड बिटवीन 1st अप्रैल एंड डेट ऑफ काउंट क्या करेंगे इसको ऐड। क्यों ऐड करेंगे, देखो 31st को तो ये माल हमारे पास था, 31st के बाद हमने बेच दिया, तो जब काउंट किया तब ये माल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, बिकॉज ये तो बेच दिया है, बट 31st को था क्या ये माल अवेलेबल हमारे पास, यस, तो क्या करेंगे इसको ऐड। ऐड क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिटवीन 1st अप्रैल एंड डेट ऑफ काउंट, ठीक है, क्या ऐड करेंगे, कॉस्ट ऐड करेंगे, राइट, बिकॉज ये माल 31st को था, 31st के बाद, बट स्टॉक काउंट के पहले हमने इसको बेच दिया, तो जब काउंट किया तब ये माल हमें मिला नहीं। एब्सोल्युटली क्लियर। परचेज रिटर्न सोचो, परचेज रिटर्न, परचेज
परचेज रिटर्न हम कर रहे हैं बिटवीन 1 अप्रैल एंड 5 अप्रैल, क्या करेंगे? देखो 31 को हमारे पास ये माल था, 31 के बाद हमने अपने सप्लायर को ये माल रिटर्न कर दिया, तो जब 5 को हमने काउंट किया तब ये माल हमारे वेयरहाउस में था क्या? नहीं, बट 31 को था क्या? यस। तो क्या करना है हमें? ऐड। सेल्स रिटर्न मतलब क्या? देखो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में हमारे कस्टमर ने हमें माल लौटा दिया, राइट? तो जब काउंट किया तब ये माल हमारे वेयरहाउस में अवेलेबल था। क्या 31 को ये माल हमारे पास था? नहीं, 31 को तो कस्टमर के पास ही पड़ा था, 31 के बाद इस कस्टमर ने हमें माल लौटाया, राइट? तो क्या करेंगे इसको? लेस। Cost of goods returned by customer between 1st April and date of count. ठीक है, अभी और क्या बचा? हाँ, goods lying with third party on sale on approval, हमारा माल हमारे कस्टमर के पास पड़ा हुआ है ऑन सेल और अप्रूवल, क्या करेंगे? एड, बिकॉज ना तो 31 को हमारे पास था ना तो 5 को हमारे पास है, ये माल किसके पास पड़ा हुआ है? हमारे कस्टमर के पास, राइट? बट ये माल है किसका? हमारा। तो क्या करेंगे? एड। सेम विद कंसाइनमेंट, माल किसके पास पड़ा हुआ है? कंसाइनी, बट ये माल है किसका? हमारा। तो ये एडजस्टमेंट सेम तरीके से होगा। ठीक है, फिर किसी और का माल हमारे प्रेमाइसिस में पड़ा हुआ है, क्या करेंगे उसको? किसी और का माल हमारे प्रेमाइसिस में पड़ा हुआ है, क्या करेंगे? लेस। बिकॉज जब काउंट किया तब माल तो हमारे प्रेमाइसिस में पड़ा हुआ था, इसको काउंट कर लिया, बट ये माल हमारा है क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? लेस।
ठीक है, बाय दैट वी विल गेट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st of March. तो सिंपल लॉजिकली बोले ना तो परचेज सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न का जो बिफोर ईयर एंड करेंगे उसका उल्टा ट्रीटमेंट करेंगे आफ्टर ईयर एंड. बट गुड्स लाइंग विथ थर्ड पार्टी हमेशा ऐड होगा, किसी और का माल हमारे प्रमाइसिस में पड़ा हुआ है वो हमेशा लेस होगा. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस, राइट? सो एक काम करना, प्लीज यू रिवाइज दिस एंड कम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड सम, देन हमारा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज वी विल कंप्लीट. ठीक है.